RSCET ओल्ड पेपर की श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत है। माँ कोचिंग क्लासेस की तरफ से RSCET जो विद्यार्थी कर रहे हैं उनके लिए ओल्ड पेपर की एक श्रृंखला चल रही थी, उस श्रृंखला में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। जो विद्यार्थी RSCET का एग्ज़ाम दे रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए ये है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। और यह जो पेपर हुआ था 31 जनवरी 2021 को हुआ था, इससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न आए हैं वो उन प्रश्नों को आज हम देखते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है और दूसरे के सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। अ है ऑपरेटिंग सिस्टम, बी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सी है ए और बी दोनों, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसका सही आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। कोई भी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कार्य नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा बनाया गया और लॉन्च किया गया था, रुपए, मास्टर वीज़ा और मेस्ट्रो कार्ड। तो इसमें रुपए को बनाया था। अ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर को ऑन करने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं। अ है स्टार्टिंग, बी है टर्निंग ऑन, सी है हाइबरनेटिंग और डी है बूटिंग। तो आपका इसका सही आंसर होगा डी, बूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण है। अ है गूगल क्रोम, बी है सफारी, सी है मोजिला फायरफॉक्स, डी है सभी। तो आपका इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, GPS का पूरा नाम बताना है। अ है गूगल प्ले स्टोर, बी है ग्लोबल पोजिशन सिस्टम, सी है उपयुक्त दोनों और डी है दो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसका सही आंसर है बी, ग्लोबल पोजिशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कीबोर्ड के ऊपर फंक्शन की संख्या कितनी होती है। अ है 10, बी है 12, सी है 14 और डी है 9। तो आपका इसका सही आंसर होगा 12। F1 से लगाकर F12 तक की कुंजियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, माउस एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आपका इसका सही आंसर है, उसको इनपुट डिवाइस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, MS पावर पॉइंट में निम्नलिखित में से स्लाइड शो व्यू में स्लाइड को आगे नहीं बढ़ाएगा। अ है माउस बटन के द्वारा, बी है स्पेस बार कुंजी के द्वारा, सी जो है स्केप कुंजी के द्वारा, डी है एंटर कुंजी के द्वारा। तो आपका इसका सही आंसर है स्केप कुंजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 1 KB बराबर 1024 बाइट, 1 GB बराबर 2048 बाइट, 1 MB बराबर 1000 KB और 1 KB बराबर 1000 बाइट। तो आपका इसका सही आंसर है अ, 1 KB में 1024 बाइट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दो प्रकार की आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी है। अ है कीबोर्ड और माउस, बी है विंडोज 2000 और विंडोज NT, सी है फ्लॉपी डिस्क और CD और डी है मॉनिटर और प्रिंटर। तो आपका इसका सही आंसर होगा डी, मॉनिटर और प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक कीबोर्ड पर कैपिटल अक्षरों को के रूप में संदर्भित किया जाता है, कैप्स लॉक की के द्वारा, ग्राउंड अप्स के द्वारा, बिग ग्रो गाइज के द्वारा, अपर केस लेटर के द्वारा। तो आपका इसका सही आंसर है कैप्स लॉक के द्वारा, अपन कैपिटल अक्षर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, MICR में सी का अर्थ क्या होता है, कंप्यूटर कोड कलर और चैरेट्रिक्स। तो आपका इसका सही आंसर होगा डी, चैरेट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए दूसरी कुंजी के साथ संयोजन में किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। अ है कंट्रोल, बी है फंक्शन, सी है स्पेस बार, डी है एरो। तो आपका इसका सही आंसर होगा कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, USB का पूरा नाम बताना है, यूनिवर्सल सीक्वेंस बस, यूनियन सीक्वेंस बस, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बुक। तो आपका इसका सही आंसर होगा सी, यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, MS Access 2010 में प्राथमिक कुंजी का उपयोग क्यों किया जाता है। अ है सूचना को रिकवरी को तेजी से करता है क्योंकि एक प्राथमिक कुंजी स्वचालित रूप से अनुक्रमित होती है, बी है प्राथमिक कुंजी का उपयोग करके रिकॉर्ड स्वचालित रूप से सम्मिलित किए जाते हैं, और सी है यह तालिका में डुप्लीकेट डाटा के कोई प्रवेश को बताता है, और डी है उपयुक्त सभी। तो आपका इसका सही आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेब संसाधनों के लिए एक संदर्भ है जो कंप्यूटर नेटवर्क और तंत्र को पुनः प्राप्त करने के लिए इसके स्थान को निर्दिष्ट करता है। अ है हाइपर टेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बी है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, सी है मॉड्यूलर डी मॉड्यूलर, डी है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। तो आपका इसका सही आंसर है बी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विंडोज 10 में स्नैप असिस्टेंट के क्या उपयोग हैं। अ है स्नैप लेने के लिए, बी है स्क्रीनशॉट लेने के लिए, सी है एक स्क्रीन पर एक से अधिक विंडो को रन करने के लिए उपयोग सभी। तो आपका इसका सही आंसर जो होगा वो है सी, एक स्क्रीन पर एक से अधिक विंडो को रन कराने के लिए।
नेक्स्ट ना था, एक सर्च इंजन द्वारा सूचनाओं को खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अ है वेब क्राउलिंग या वेब स्पाइडर का, बी है इंडेक्सिंग का, सी है सर्चिंग का और डी है उपयुक्त सभी। तो आपका इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आता है नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस का एक उदाहरण है, अ है हब, बी है स्विच, सी है प्रोसेसर, डी है ए और बी दोनों। तो आपका इसका सही आंसर होगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट आता है यूआरएल किस बार में शो होता है, टाइटल बार, स्टेटस बार, मेन्यू बार, एड्रेस बार। तो आपका इसका सही आंसर होगा डी एड्रेस बार। नेक्स्ट आता है वर्कशीट पर हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइनों को क्या कहते हैं, सेल्स शीट, ब्लॉक लाइंस और ग्रिड लाइन। तो आपका इसका सही आंसर होगा डी ग्रिड लाइन। नेक्स्ट आता है ईमेल संरक्षण में प्रयोग आने वाले बीसीसी का विस्तारित रूप क्या है, ब्लू कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लैक कार्बन कॉपी, बैक कार्बन कॉपी। तो आपका इसका सही आंसर होगा बी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नेक्स्ट आता है नेटस्केप नेविगेटर एक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, ब्राउजर, एंटीवायरस प्रोग्राम। तो आपका इसका सही आंसर है सी ब्राउजर। नेक्स्ट आता है वेब में एक साइट से दूसरे साइट पर जाने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं, रोमिंग, लिंकिंग और नेविगेटिंग और ड्राइविंग। तो आपका इसका सही आंसर है सी नेविगेटिंग। नेक्स्ट आता है यूआरएल का विस्तारित रूप बताना है, अ है अन इंटर स्क्रैप्ट रिसोर्स लोकेशन, बी है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन, सी है यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर और डी है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो आपका इसका सही आंसर है डी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट आता है कौन सा प्रिंटर कागज के ऊपर स्याही के छोटे छोटे बिंदुओं को अत्यंत तेजी से छिड़ककर डेटा या चित्र को प्रिंट करता है, अ है इंकजेट प्रिंटर, बी है लेजर प्रिंटर, सी है डॉट मैट्रिक प्रिंटर और ड है डी जो है ड्रम प्रिंटर। तो आपका इसका सही आंसर है ए इंकजेट प्रिंटर। नेक्स्ट आता पावर पॉइंट प्रस्तुति में डुप्लीकेट स्लाइड सम्मिलित करने के लिए आप शॉर्ट कुंजी जो है वो कौन सी है, कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस एम, कंट्रोल प्लस जेड। तो आपका इसका सही आंसर है कंट्रोल प्लस एम। नेक्स्ट आता किसी एम एस एक्सेल सूत्र में संलग्न विस्तार के प्रारंभ और अंत के सेल एड्रेस को एक के द्वारा पृथक किया जाता है, सेमी कॉलन, कोमा, फुल स्टॉप और कॉलन। तो आपका इसका सही आंसर होगा डी कॉलन। नेक्स्ट आता व्हाट्सएप का उपयोग कहाँ किया जाता है, अ है वीडियो कॉल के लिए, टेक्स्ट और इमेज वीडियो और दस्तावेजों को भेजने के लिए, चैटिंग के लिए और उपयुक्त सभी। तो आपका इसका सही आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आता निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है, सेवी बडी, भीम, पेटीएम, क्रेडिट कार्ड। तो आपका इसका सही आंसर होगा डी क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट आता निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन ईमेल फोल्डर में नहीं होता है, सेंड मेल, रिसीव मेल, ट्रेस, स्पैम। तो आपका इसका सही आंसर होगा रिसीव मेल। नेक्स्ट आता अपने कंप्यूटर में विभिन्न नेटवर्क कनेक्शन सेट करने के लिए आप निम्नलिखित में से किसका उपयोग करेंगे, माई नेटवर्क का, नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर के, वायरलेस नेटवर्क का, नेटवर्क सेटअप का। तो आपका इसका सही आंसर है बी नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर का। नेक्स्ट आता है डीवीडी का पूरा नाम बताना है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, बी है डिजिटल वीडियो डिस्क, सी है डिजिटल वीडियो डेफिनेशन और डी है ए और बी दोनों। तो आपका इसका सही आंसर है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। नेक्स्ट आता है एमएस वर्ड में किन शॉर्ट कुंजी का उपयोग करके फॉन्ट साइज को बढ़ाने हेतु प्रयोग किया जाता है, अ है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, बी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस और प्लस और अल्टर प्लस प्लस। तो आपका इसका सही आंसर होगा अ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। नेक्स्ट आता सोशल नेटवर्किंग साइट है, अ है फेसबुक, ट्विटर और सी जो है ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसका सही आंसर है ट्विटर और फेसबुक दोनों है। ये आज के हमारे 35 प्रश्न कंप्लीट होते हैं, आई होप ये आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट्स जरूर करना। ओके धन्यवाद।